Hello everyone, welcome to my channel. I'm back with another interesting video. You can see some grow bags here. You can easily make these grow bags at home. तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कैसे ये grow bags आप खुद घर में बना सकते हैं. Before that, if you're new to my channel, please subscribe to it. Visit my channel to watch many such interesting videos. तो हमें चाहिए प्लास्टिक शीट जो हार्डवेयर के शॉप में इजिली अवेलेबल है. आई हैव गॉट 500 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक फॉर ₹60 ओनली. सीजनल फ्लावर्स ग्रो करने के लिए या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो आप टेरेस पर ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए ग्रो बैग्स बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये लाइट वेट है. मिट्टी के गमले बहुत भारी होते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा लाइट होगी ये ग्रो बैग. यू कैन मेक दिस ग्रो बैग्स इन डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द ग्रो बैग्स. ये जो प्लास्टिक शीट मैंने खरीदा है ये 3 फुट के चौड़ाई में है. नाउ आई विल मेजर दिस. आई विल बी मेकिंग 6 इंच ग्रो बैग्स फ्रॉम दिस प्लास्टिक शीट्स. सो लेट्स मेजर इट फर्स्ट. आई एम फोल्डिंग द प्लास्टिक शीट फर्स्ट सो दैट आई कैन कट देम इन इक्वल साइजेस. This grow bag is of nearly 6 inch. I don't know whether you can see the scale properly or not. तो एक फोल्ड का जो चौड़ाई है वो आप देख सकते हैं. मैं मेजर कर रही हूँ, नियरली इट इज 20 inches. तो अभी फोल्ड को कट करेंगे और पीसेस सेपरेट करेंगे. तो एक बड़ा सा पीस मैंने सेपरेट कर लिया. नाउ आई विल फोल्ड दिस अगेन टू मेक 3 इक्वल पीसेस. जितना बड़ा और जितना गहरा आपको ग्रो बैग चाहिए आप मेजरमेंट्स उसके हिसाब से बढ़ाते रहिए. अगर छोटा चाहिए तो फिर मेजरमेंट्स आप रिड्यूस कर दीजिए. सो दिस इज नियरली 12 इंचेस. सो आई विल कट दिस अगेन. ये ग्रो बैग्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है. जिन लोगों को टेरेस गार्डनिंग की शौक है उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा. अगर आप आपके बालकनी में पौधे लगाना चाहते हैं तो फिर पौधे के हिसाब से आप ये ग्रो बैग्स बना लीजिए डिफरेंट साइजेस में. तो कटिंग के बाद फाइनली जो शीट मुझे मिला उसके जो फ्री एंड्स हैं उसको फोल्ड करके मैं अभी स्टेपल करूंगी. अगर आपके पास सीविंग मशीन है तो फिर आप सिलाई भी कर सकते हैं. फिर किसी एक एंड को मैं वैसे ही फोल्ड करूंगी और स्टेपल करूंगी. नाउ टू मेक द ग्रो बैग स्टैंड बाय इट्स ओन, व्हाट आई विल डू, आई विल फोल्ड द कॉर्नर्स एट द बेस. लाइक दिस एंड आई विल स्टेपल दिस अगेन. रिपीट द सेम थिंग फॉर द अदर कॉर्नर ऑल्सो. सीजन फ्लावर्स के लिए आप ये ग्रो बैग्स यूज कर सकते हैं क्योंकि सीजन फ्लावर्स खत्म हो जाने के बाद आपको जो मिट्टी के गमले या फिर प्लास्टिक के गमले जो भी आप यूज कर रहे होंगे उसको रखने के लिए कुछ जगह भी आपको चाहिए, स्टोर करना होता है वो नेक्स्ट सीजन के लिए. लेकिन ये ग्रो बैग्स यूज करने के बाद आपको ज्यादा स्पेस भी नहीं लगेगी स्टोर करने के लिए. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग सम होल्स. Just cut and make small holes with scissors. Proper drainage के लिए मैं कुछ holes ऐसे नीचे की तरफ बना रही हूँ. So now my grow bag is ready. तो बहुत सारे holes मैंने बना लिया है. So I have made many grow bags. I will use all of them for my seasonal flowers. तो ये cost effective, easy to make grow bags आप घर पे बना लीजिए. Fruits और vegetables के लिए आप 10 इंच या फिर 12 इंच का grow bags बना लीजिए. तो आधा किलो प्लास्टिक शीट से मैंने 17 grow bags बना लिया है. ये देखिए 6 इंच का बना है ये सब grow bags और इसका हाइट भी 9 या 10 इंच हुआ है. तो ये सारे सीजनल फ्लावर्स मैं इन ग्रो बैग्स में लगाऊंगी.
आप लीफी वेजिटेबल्स के लिए बेड भी बना सकते हैं, जैसे कि पालक, धनिया, सरसों का साग. सो मेक योर ओन कॉस्ट इफेक्टिव ग्रो बैग्स एट होम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल गार्डनिंग लवर्स सो दैट दे कैन मेक देयर ओन ग्रो बैग्स एट होम वेरी इजिली. सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट यू कैन स्टे अपडेटेड विद माई वीडियोज. आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. Till then, bye.